स्टेटमेंट क्या होता है स्टेटमेंट क्या होता है क्या होता है एक्सपेरिमेंट कोई भी आप ऑपरेशन कर रहे हो उसका वेल डिफाइंड आउटकम है आउटकम मतलब वेल डिफाइंड का मतलब क्या जैसे मान लो मैं एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ से एक बॉल को फेंक रहा हूँ दीवार आके बंद कर दो वो भी एक तरफ एक्सपेरिमेंट है ना अब क्या होगा या तो बॉल दीवार में लगेगी थोड़ी ऊपर लगेगी कोई पर्टिकुलर पॉइंट की बात करो तो ऊपर नीचे जाए बाहर कहीं ऐसा लगेगा ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पे बॉल फेंक रहा हूँ वहाँ से बिल्डिंग गिर रही ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आएगी जो आपको लगता है कैसा होना चाहिए ठीक है तो ये है आपके एक्सपेरिमेंट दो तरह के होंगे एक तो होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट एक होगा डिटरमिनिस्टिक जो आप लोग लैब में करते हैं जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री लैब में गए तो केमिकल आप लोगों ने मिला दिया आपको पता है इसका कलर ऐसा होने वाला ऑरेंज आएगा ब्लू आएगा येलो आएगा क्या वो आपको पता कि ऐसा कलर आएगा पहले से बोल देते कि आपको ऐसा करने से ऐसा कलर आएगा फिर आप करते हो तो वैसे ही कलर आता है चमत्कार होगा है ना ऐसे एक्सपेरिमेंट को ये वाला होता है जो लैब में होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको पता तो है कि ये ऑपरेशन करने पर मुझे क्या मिलेगा लेकिन ये नहीं पता कि अभी करूँगा तो कोई जैसे मान लो आप कॉइन टॉस कर रहे हैं आपको पता था या तो हेड आएगा या टेल आएगा सबको पता है लेकिन आपने आप परफॉर्म किया कॉइन टॉस किया तो क्या आएगा वो कोई भी नहीं पता वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इसका आउटकम क्या है रिजल्ट क्या है आपको उसके पॉसिबल रिजल्ट तो पता है लेकिन परफॉर्म करने पर क्या रिजल्ट आएगा वो आप नहीं पता ऐसे एक्सपेरिमेंट को रेंडम एक्सपेरिमेंट ठीक है हम लोग जो बात करेंगे वो सारे के सारे इसी रेंडम एक्सपेरिमेंट की अब देखिए आप लोगों ने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया अब इसके अंदर की जाती है सैंपल ये सारी मैं थ्योरी आपको लिखवाऊंगा अच्छे से आप लोग समझ लीजिए सैंपल स्पेस क्या होता है जैसे हम लोगों ने सेट्स पढ़ा था सेट्स के अंदर यूनिवर्सल सेट पढ़ा और सबसेट और ये सारी चीजें उसी से लिंक कर सैंपल स्पेस मतलब आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं जितने भी हो सकते हैं टोटल वो सारे सारे सैंपल्स जैसे मैंने कॉइन को टॉस किया तो क्या क्या हो सकता है हेड और टेल ये हो गया इसका सैंपल इस एक्सपेरिमेंट अलग अलग एक्सपेरिमेंट के अलग अलग हो जैसे मान लो मैं दो कॉइन टॉस करता हूँ ठीक है तो क्या सैंपल स्पेस हो सकता है ये हेड और ये टेल दूसरा ये हेड टेल आपका हेड है हेड टेल टेल है और टेल दो पॉइंट ऑफ करोगे तो आपको ये सैंपल स्पेस मिलेगा उसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ये हो सकते हैं अब इसमें से कौन सा होगा वो हमें नहीं ये हो सकते हैं अगर आपने थ्री पॉइंट ऑफ किए था एक और आगे बढ़ जाएगा फोर पॉइंट ऑफ किए तो जैसे आपने डाइस को थ्रो किया था 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सैंपल्स के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6 सैंपल्स के साथ अगर आपने दो डाइस का थ्रो किया इसके साथ 6 का टेन इसके साथ 6 का टेन इसके साथ 6 का टेन वो बन जाएगा आपका 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 6 फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, 1, 6, 1 ये यहाँ से 6, 6 ये टोटल आपके सैंपल स्पेस बन जाएगा जो आपने तोड़ा है इसको तोड़ सैंपल स्पेस समझ आया कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं वो होता है सैंपल स्पेस अब हमने मैंने बताया आपको कि सैंपल स्पेस ऐसे काम करेगा जैसे यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा तो यूनिवर्सल सेट है तो उसके अंदर कुछ सेट भी होंगे ठीक है सबसेट भी होंगे वो आते हैं इवेंट इवेंट क्या होता है
किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट उस सैंपल स्पेस का सबसेट। सैंपल स्पेस को मैं अगर कैपिटल एस से डिनोट करूँ और इवेंट को ई से, तो ई होता है सबसेट ऑफ एस। जैसे मान लो मैंने दो पॉइंट टॉस किए हैं, उसमें से दोनों हेड अगर अगर एस ऑफ टू है वो क्या है इवेंट। समझ आया? सैंपल स्पेस तो क्या है ये, और इसमें से मैंने पर्टिकुलर बात की इसकी कि दोनों हेडर है तो ये एक इवेंट होगा। वन हेडर वन टेल, तो ये एच टी और टी एच ये एक इवेंट है। एटलीस्ट वन है, एटलीस्ट वन है, कम से कम एक है, तो ये तीनों मिलके एक इवेंट बनाएंगे जिसका नाम है एटलीस्ट वन। क्या ये बात समझ आई? इवेंट समझ में आया? सैंपल स्पेस का सबसेट। अब सबसेट तो कितने हो सकते हैं? तो बहुत सारे इवेंट का, अब ये डिपेंड करेगा उस इवेंट की डेफिनेशन क्या है। जैसे मान लो मैं इसके लिए दो डाइस को थ्रो किया, एक इवेंट डिपेंड करता हूँ, ठीक है, और नंबर, ठीक है, या फिर यू को एक डाइस को थ्रो किया अकरेंस ऑफ ऑड नंबर इवेंट ई, लीजिए का क्या क्या एलिमेंट्स हैं, वन थ्री और ऑड नंबर बोला, इवन नंबर का बोलेंगे तो, और इवन नंबर ग्रेटर देन टू बोला तो फोर सिक्स, ये इवेंट हो गया। इवेंट समझ में आ रहा है? एक डाइस को थ्रो किया तो उसके सैंपल स्पेस में ये एलिमेंट आएंगे। अब उस एलिमेंट्स के कुछ सबसेट बना लिया, एक सबसेट बना लिया सारे ऑड नंबर का तो वो एक इवेंट हो गया, एक सबसेट बना लिया इवन नंबर का तो वो एक सबसेट हो गया। जैसे मान लो मैंने बात की दो डाइस को थ्रो किया, ठीक है, उसमें दोनों डाइस पे जो नंबर आया उनका सम फोर आ जाए, ठीक है, तो वो क्या हो गया इवेंट हो गया। उसके एलिमेंट क्या क्या होंगे, फोर आ जाए तो वन थ्री टू टू थ्री वन, ये उसके एलिमेंट हो गए किसके, इवेंट। इवेंट क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसके अंदर इवेंट के अंदर कुछ पार्ट है। जैसे मैं बोलता हूँ सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट का मतलब इस इवेंट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट कौन सा होगा बताया, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो, तो ये सिंपल इवेंट होगा जिसके अंदर एक ही एलिमेंट। जैसे मैंने बोला कि जब दो पॉइंट टॉस कर रहे हैं तो दोनों हेड आ रहे हैं, एक ही एलिमेंट होगा एच एच और कोई। समझ आया? ये होता है सिंपल इवेंट। कंपाउंड इवेंट इसके अंदर दो या उससे ज्यादा एलिमेंट, जैसे मैंने बात की एटलीस्ट वन है, एटलीस्ट वन है, ये आएगा ये आएगा ये आएगा, तीन एलिमेंट आ गया कंपाउंड इवेंट। अब अगर सबसेट की बात करें तो आपको पता है कि हर सेट का एक सबसेट होता है नल सेट, वॉइड सेट, फाइन, ठीक है, तो इसके अंदर भी एक इवेंट होगा जिसको बोलते हैं हम लोग इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इवेंट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कुछ नहीं होता, ठीक है। जैसे मान लो मैं बात करूं डाइस को थ्रो किया, उस पर नंबर सेवन आ गया, आ सकता है नहीं आ सकता कोई नहीं, तो ऐसे इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि हर सेट का नल सेट एक सबसेट होता है। तो अगर मैं सैंपल स्पेस को यूनिवर्सल सेट बनाऊँ, इंडो सेट बनाऊँ, तो एक सबसेट तो यही होगा नल सेट होगा, उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, जो कभी हो ही नहीं सकता। एक होता है क्योरी, उसको होना ही होना, ठीक है। जैसे बात को पॉइंट को टॉस किया तो उसमें हेड और टेल आ जाए, हो गए होगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, वैसे खड़ा रह जाए बात अलग है, पॉइंट को टॉस किया और ऐसे रह जाए, ठीक है, उसको हम काउंट नहीं। अब तो डाइस को थ्रो किया तो वन और टू और थ्री और फोर और फाइव और सिक्स, इसमें से कोई एक तो आएगा ही आएगा, वो हो गया श्योर। समझ आ रहा है ये सारी जो आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। अब इसके अंदर अब है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एक टास्क का होना दूसरे को रोक दे, होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर एक इवेंट होगा तो दूसरा नहीं होगा। पॉइंट को टॉस किया अगर उस पर हेड आया है तो टेल नहीं आएगा, टेल आया तो हेड नहीं आएगा। डाइस को थ्रो किया उस पर वन आया तो सिक्स नहीं आया। समझ आया? ऐसे इवेंट्स दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब कहेंगे, जब एक होगा तो दूसरा नहीं, या फिर वो कहेंगे उन दोनों इवेंट्स का कॉमन पार्ट है वो कुछ भी नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं। समझ आया? ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इनका कॉमन कुछ भी नहीं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल जीरो, फाइव, कुछ
भी नहीं है। तो ऐसे इन दोनों इवेंट्स ए और बी को बोले कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, समझ आया? देखो आप लोगों ने एक पर्व में पढ़ा था फ्रेंड्स के अंदर एन ऑफ ए यूनियन बी क्या था, वो एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए ये पढ़ा था ना। अगर ये ए और बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो इस केस में एन ऑफ ए यूनियन बी होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, ये तो जीरो हो जाए। तो दो इवेंट या उससे ज्यादा तीन भी हो सकते म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, इसका मतलब उनके बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो एक। जैसे मैं बात करूँ ए डैश का, तो एक इवेंट है ई वन जो क्या बताता है अक्रेंस ऑफ ऑड्स, दूसरा ई टू जो बताता है ई वन, तो आप जैसे ही देखोगे कि ऑड नंबर में तो 135 है और इवन नंबर 246 आया, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो ऐसे इवेंट को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जिनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव, ये क्या लिखा एग्जॉस्टिव इवेंट, ये इवेंट होते हैं कि आपके पास सैंपल स्केस है उसके आपने इवेंट्स बनाए, उन सभी इवेंट्स का सम करोगे ना तो आपको पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मिलना चाहिए। जैसे मान लो मैंने इसके दो इवेंट बनाए, एक तो टू हेड और एक एटलीस्ट वन, इन दोनों का सम करूंगा तो मुझे सैंपल स्पेस नहीं मिलेगा, ठीक है। टी डी ये इन दोनों में से किसी में भी नहीं आ, ध्यान से सुनो, एक को इवेंट क्या बनाया दोनों है और एक इवेंट क्या बनाया एटलीस्ट वन है, इन दोनों में ही ये नहीं आ, तो जब मैं उनका यूनियन करूंगा सम करूंगा तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मुझे नहीं मिलेगा, तो ऐसे इवेंट को एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं बोलते। जैसे इन दोनों को बोल सकते हैं क्योंकि इन दोनों का सम करने पे क्या मिल रहा है आपको सारे के सारे पूरा का पूरा सैंपल स्पेस। कई बात समझ में आई, देखिए इक्वली लाइकली है इक्वली लाइकली क्या होता है कि जैसे मान लो आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर इवेंट है, हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी छोड़ो, हर इवेंट के लिए आने के चांसेस है वो इक्वल। जैसे मान लो आपने कॉइन को टॉस किया तो हेड आने के भी वही चांसेस है जो टेल आ, डाइस को थ्रो किया 1 2 3 इनमें से हर किसी का अपने अपने एक जैसे ही चांस है, ऐसा नहीं होता कि अब जो डाइस है उसमें से मैंने 1 को उखाड़ के फेंक दिया और 2 चिपका दिया 1 की जगह, अब बोलो बना सकता है क्या, तो वही बोले लाइफ में नहीं हुआ, समझ आया? सारे के सारे उपाड़ के फेंक दे सब जगह 6 चिपका दिया और अब मैं बोलता हूँ कि जादू कर रहा हूँ, देखो कुछ भी करूँगा 6 ही आएगा, है ना, तो 6 ही आएगा, वही बोले लाइफ में नहीं हुआ, समझ गए? ये था इक्वल लाइफ, ये थी आपकी सारी की सारी डेफिनेशन। यहाँ पे आपका एनसीईआरटी तो खत्म होता है, आपका एनसीईआरटी फिनिश हो, ठीक है। अब इन सब की डेफिनेशन आपको मान रहा हूँ,
बिना बातें किए भी लिखा जा सकता है। आप लोग अगर किसी ने ऐसा बोला है, किसी बाबा ने आपको बोला है कि बिना बातें किए नहीं लिखा जा सकता, तो मैं आपका भ्रम दूर कर देता हूँ। लिखते पता नहीं कैसे बातें कर लेते। पढ़ लो अच्छे से, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर भी नहीं समझ आए तो फिर पूछते। Thank you.
इन तीनों पॉइंट में आप में से किसी को डाउट है क्या? तीनों पॉइंट अच्छे से पढ़िए। इलेवन क्लास में बेसिक है प्रोबेबिलिटी, ट्वेल्थ में हम क्लास प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। किसी को डाउट नहीं है तीनों पॉइंट्स में? हर सबसेट खुद का, हर सेट खुद का सबसेट होते ही होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये तो सारे के सारे एलिमेंट्स किसी इवेंट के अंदर आ जाते हैं सैंपल स्पेस में, तो उसको शेयर इवेंट 100% ही होगा।
एग्जांपल है। और नेक्स्ट कंपाउंड Gracias.
लोगों ने प्रोबेबिलिटी की थोड़ी बहुत डेफिनेशन तो पढ़ी होगी 10th क्लास में, बट जैसे मैं कहूँ डाइस को ड्रॉ किया तो वन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना? तो वही होता है इक्वी लाइकली इवेंट्स का मतलब जिनके चांसेस एक जैसे और उनको इक्वी प्रोबेबल क्यों कहते हैं, उन सबकी प्रोबेबिलिटी नहीं सेम हो सभी इवेंट्स, इसलिए इनको इक्वी प्रोबेबल सैंपल्स के अंदर इक्वी प्रोबेबल इवेंट भी बोलते हैं। क्या ये बात समझ आई?
सैंपल स्पेस है, जैसे मान लो आपका पॉइंट को टॉस किया तो हेड या टेल आ सकता है, तो जब भी आप पॉइंट को टॉस करोगे उसमें से कोई ना कोई एक तो होगा ही, ठीक है। ऐसे इवेंट्स को एग्जॉस्टिंग इवेंट्स बोलते हैं। जैसे मान लो आपके पास दो तीन चार ऐसे इवेंट्स हैं, आपने एक्सपेरिमेंट किया, इनमें से कोई ना कोई एक इवेंट तो होता ही रहेगा, कोई ना कोई एक तो होगा ही, ठीक है। और जब उसका इमेज करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सैंपल स्पेस। यही सारे डेफिनेशन आपको 12th में नहीं बताए थे, इससे आगे पढ़ेंगे हम और अच्छे से अभी नोट कर लो। ये सब काम आने वाले हैं। आपसे पूछा कि ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवन एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी कितने हो। ये फॉर्मूला तो ध्यान है ना, क्या था ये फॉर्मूला, इसका मतलब कॉमन तो कुछ है ही, माइनस करने की जरूरत नहीं, इधर सही है। अब चलते हैं प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी आपकी एनसीईआरटी की दो एक्सरसाइज हो जाएगी, 3.1 और 2.2। आपको ये होमवर्क है, ध्यान दीजिए दोनों एक्सरसाइज कल बतानी है, इसके अलावा आप जो
प्रोबेबिलिटी क्या होती है प्रोबेबिलिटी? ये बात समझ आई आपको? कोई इवेंट डिफाइन किया होगा कि ये इवेंट है, तो उस इवेंट में कितने आउटकम टोटल एलिमेंट्स आएंगे और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर टोटल कितने आउटकम्स आ रहे हैं, इसको लिखते हैं एन ऑफ ई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस एस। सिंपल सी डेफिनेशन है, बाकी दूसरी है वो मैं आपको लिखा होता हूँ, पर इसको समझ की E की प्रोबेबिलिटी का मतलब, जिसमें बात करूँ कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ तो उसके अंदर जितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट, और इसके अंदर एक सेट है जिसका नाम है इवेंट E, ठीक है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट और ये आ गया पूरा का पूरा आपका सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E का मतलब इसके अंदर जितने एलिमेंट्स है वो टोटल कितने एलिमेंट्स, क्या टोटल में ये भी कॉम्पोनेंट हो गए ना। अब मैंने बहुत सारे इवेंट्स बनाए, इसका नाम दे दिया E1, इसका नाम दे दिया E2, इसका नाम दे दिया E3 और इसका नाम दे दिया E4, ये E है, ठीक है। ये सारे इवेंट्स कैसे हैं, क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, देख के बताओ है क्या, कैसे पता चला, कॉमन कुछ भी नहीं, इस पोर्शन के एलिमेंट और इस पोर्शन के एलिमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं और इसके साथ कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं, अगर कॉमन होता तो कैसे बना था, कैसे ये कॉमन आ गया, समझ आया। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है और एग्जॉस्टिव इवेंट भी है, सोच के बताओ, ई वन ई टू ई थ्री और ये ई कैसे है, और क्या ये बात समझ आई, ये दोनों तरह के हैं, इसका कैसे पता चला, इसके अंदर पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ गया इन सभी के अंदर, समझ गए। तो अब मुझे बताना कि अगर मैं ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E करता हूँ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 करता हूँ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 करता हूँ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 करता हूँ तो कितना आया, वन। क्या ये बात समझ आई, कैसे इसके फेवरेबल, इसके फेवरेबल, इसके फेवरेबल, इसके फेवरेबल, सबको काउंट करोगे और टोटल सबके टोटल एस लिखोगे तो इन सबका सम होगा तो ऐसे ही आएगा, एस अपॉन एस वन हो जाएगा। अब देखिए आपको पता है कि इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस का एक सबसेट होता है, तो सबसेट के अंदर कितने एलिमेंट आ सकते हैं, या तो एक भी एलिमेंट ना आए कम से कम, ऐसा हो सकता है ना। जैसे मान लो आपने कोई एक बड़ा सा सेट है उसका एक सबसेट बनाया,
तो सबसेट क्या हो सकता है कि या तो एक भी एलिमेंट ना आए, नल सेट, या फिर वन आए, टू आए, थ्री आए, फोर आए, या सारे के सारे आ जाए, ये हो सकता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, या तो सारे के सारे आ जाए, या फिर एक भी ना आ जाए, या फिर इनके बीच इससे ज्यादा आ सकते हैं क्या, नहीं, इससे कम आ सकते हैं, नहीं। अब इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है टोटल से डिवाइड कर देता हूँ, ये तो जीरो ही रहेगा, जीरो को टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब सैंपल स्पेस के एलिमेंट से डिवाइड करूंगा तो जीरो रहेगा, ए ओवर जीरो। और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और ये कितना हुआ वन। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो जीरो और वन के बीच में ही रहेगी, वन से ज्यादा नहीं हो सकती और जीरो से कम नहीं। क्या ये बात समझ आई? अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई का मतलब क्या, ई डैश, देखिए अगर ये ई है, ये ई, तो इसके अलावा ये सब कुछ है वो क्या होगा, ई डैश बोलो या ई बार, या फिर इसको सिंपली बोलते हैं नॉट ई, इसका मतलब यही होता है। तो अगर आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई डैश वो कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब इन सभी को डिवाइड करता हूँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से, तो ये क्या बन जाएगा, ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई, और ये हो गया वन। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो वन में से उसके होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस करो, तो उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी। क्या ये बात समझ आई, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा और डेफिनेशन है वो नेक्स्ट कर सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक में इसकी प्रैक्टिस कम है लेकिन हम लोग इसकी थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। एक बार आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए तो फिर हम 12th में प्रोबेबिलिटी है वो अच्छे से पढ़ सकते हैं।